ये भाई यहाँ की गाय भी इंग्लिश बोलती है। अमेरिका का असली गांव। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका दोस्त एंड आपका होस्ट रेयान और कनीज फिर से हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। और भैया आज आपको दिखाएंगे देखो अमेरिका की गाय। और हमारे साथ में है क्रिस खेली इन द बैक। पता चलेगा भाई अमेरिका का असली गांव होता कैसे है, पता चलेगा अमेरिका में फार्म की जिंदगी और ये देखो गाय की जिंदगी। पूरा वीडियो देखना, बहुत मजा आएगा। Rian, get up front, the girl's yes, getting the back. Definitely. ये लो अब हम लोग थोड़ा इसकी राइड करते हैं। And what do you call this, Chris? This is mule. Mule? Kawasaki mule. Like a mule. M-U-L-E. M-U-L-E, okay. तो यहाँ पे भाई अपने चिकन रखते थे, इनके पास बहुत सारी पहले चिकन थी, तो यहाँ पे पहले अपने चिकन रखते थे। We roll them up. They're rolled up by a machine. And, okay. And I'll show you. ओके तो ये बता रहे हैं कि ठंडियों के टाइम पे ये इन्हें खाना दिया जाता है, जो यहाँ पे इनकी जो गाय बैल है विंटर के टाइम पे गाय को खाना दिया जाता है। ये जो गाय का जो खाना है वो इससे पूरा कट करते हैं भाई। तो क्रिस के अंकल आंटी यहाँ पर रहते हैं भाई। So वो ट्रैक्टर यूज करते है, ट्रैक्टर से काटते है और फिर जब इसको ना थोड़ा सूखने के लिए रख दिया जाता है, जो घासियां है इसको सूखने के लिए रखते है, और जब ये सूख जाती है ना तो इनके पास एक और मशीन है, उससे वो रोल करके वहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया वहाँ पर बांध देते हैं। राइट, उसको गोल गोल राइट right. तो काटने का इससे रोल करते हैं, ये मशीन से रोल करके वहाँ पर रखते हैं। देखो वैसे वहाँ पे रखा हुआ है ना, ऐसे रोल बन जाते हैं। तीन स्टेप में भाई इसको किया जाता है। पहला कटिंग करते हैं, उसको सूखने के लिए रखते हैं, फिर उससे रोल बनाते हैं और बाद में उसको पैक करने के लिए ये मशीन यूज की जाती है। पूरे भाई घास की रोलिंग होती है, तो कितनी अच्छी फैसिलिटी है ना। तो इनका यहाँ पे जो खेती है वो 90 इयर्स ओल्ड इनके वो अंकल है जो सब चीज करते हैं, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, हर एक चीज। तो आओ दिखाते हैं अमेरिका की गाय। कर लो मोहतरमा ने पहन कर आई है। अगर गाय मेरे पीछे भागी तो मैं वही सो जाऊंगी। अभी तक हम लोग ने ना कभी भी अपने वीडियो में कभी ऐसा गाय वगैरह दिखाए नहीं थे, लेकिन आप देख लो भाई अमेरिका में जब लोग सोचते हैं ना कि अमेरिका अमेरिका, तो उनको यही लगता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े शहर। लेकिन आओ आज दिखा तो आपको अमेरिका का असली गाँव। Yes. So we have mint, we have apple. Okay. Apple लेकर आए हुए हैं, गाजर लेकर आए हुए हैं यहाँ पे जो गाय भैंस है इनको खाना खिलाने के लिए। और ये देखो अमेरिका की असली गाय। What do I do? Just lay flat, lay your hand flat. Throw it on the ground. Hey, मोहतरमा कितना डर रही है यार। उसके दांत लगे मुझे। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी गाय। अरे ये देखो ये एकदम जायंट है यार। भाई देखो क्या तगड़ा दिख रहा है भाई ये। इसकी मुंडी कितनी बड़ी है, कितना बड़ा है देखो इसकी मुंडी। इसका नाम है सनशाइन। क्या बात, ज्यादा खा रही है। खिलाओ बिंदास खिलाओ। ये देखो ये मेरा कैमरा खाने आ रही है। और ये घोड़ा देखो भाई, ये घोड़ा भी बहुत प्यारा है। इन सब गाय के बीच में एक घोड़ा पल रहा है। He came from the race track. He was a race horse. Horse है ये? हाँ। माँ से रिटायर हो गया, इन्होंने मुझे बताया। Yeah, me and a couple buddies bought some, had a race horse. That was an M. He was on the track for about 2-3 years. And then instead of sending him to the glue factory, we brought him back here. ये भाई यहाँ की गाय भी इंग्लिश बोलती है। कृष्ण ने उन लोगों को इंग्लिश में बोला है तो वो लोग इंग्लिश में सुनकर भाग रहे हैं। तो आप अंदर की बैठो, बाहर निकलो। So Chris, what kind of cow are these? They're Pod Herefords. ठीक है, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? मैंने इनको पूछा कि भाई ये किस टाइप की काव है, तो इन्होंने बताया कि Pod Herefords करके इन्होंने बताया। अगर आप लोग किसी को पता है आपका फार्म है, किसी को पता है ये कौन सी है ये काव, तो आप बताए कमेंट करके। शायद से आप लोग कमेंट में पूछोगे कि क्रिस इस इन सारी चीजों का क्या करता है, इन गाय के क्यों है यहाँ पर। क्रिस, व्हाई डू यू हैव दिस हियर? आई सेल देम टू लोकल फार्मर्स। ओके, देयर एक्चुअली रजिस्टर्ड cattle. Okay. And I sell some to mostly local farmers. I'll take them to the market. Okay. तो भाई क्रिस बता रहा है कि ये ना जो यहाँ के जो लोकल जो किसान होते हैं ना, ये उनको बेचते हैं जब भी उनको चाहिए होता है, वो लोग खरीदते हैं इनसे और यहाँ के जो फार्म वगैरह है वहाँ पर लेके जाते हैं। प्राइस ऑफ अ सिंगल काउ? A bull like that bull there is about $3,000. $3,000 for the bull. Three bulls probably $2,000 a piece. And then the cows anywhere from $1,000. So ये बोल रहा है कि अगर ये farmers के पास लेके जाएंगे ना तो इसकी प्राइस ज्यादा होती है, क्योंकि क्या होता है मालूम, एक काओ
कोई और टाइप की होती है, अलग अलग किस्म की काऊ, जैसे एक मेल काऊ होती है, फीमेल काऊ होती है, अगर वो अलग अलग टाइप की होती है तो उनका बच्चा, ठीक है, तो फिर वो ब्रीड एक स्पेशल ब्रीड बन जाता है, समझे? तो उसकी वजह से ये पैसा ज्यादा होता है, लेकिन मार्केट में जाएगा तो फिर ये वजन के हिसाब से मिलेगा। करेक्ट, ओके, तो मार्केट में मिलेगा वजन के हिसाब से, लेकिन वैसे इनका जो बुल था ना, बड़ा वाला जो एकदम तगड़ा वाला दिखाया मैंने आप लोगों को, वो है $3,000 का, और वैसे नॉर्मली जो गाय है ना वो है $1,000 की, 2-2.5 लाख की गाय, वो एक बड़ा बुल हो गया, और 60-70 हज़ार का भाई हो गया एक काओ, मेरे हिसाब से थोड़ा महंगा, क्योंकि इंडिया में ना मेरे ख्याल से 60-70 हज़ार में ना भाई कम से कम 4-5 आ जाएगी गाय। अब आप लोग ये मत बोल देना कि भाई इंडिया में तो ये सारी चीजें बैन है, ये मैं उसके लिए दिखा रहा था कि जो हमारे जो किसान लोग है जो गाय वगैरह जो खरीदते हैं खेती वगैरह करने के लिए, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। मुझे नहीं पता है कि जो किसान की जो गाय होती है वो कितने की आती है, आप लोगों को अगर पता है ना तो आप लोग प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो को ना एक लाइक करना तो बनता ही है यार, बहुत मेहनत लग रही है यहाँ पे आकर वीडियो बनाने के लिए, लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस है और मजा आ रहा है। ओके, तो भैया आप चलते हैं यहाँ से, ये तो आपको मैंने दिखा दिया भाई कि अमेरिका की गाय वगैरह होती कैसा है। द पूप, ये देखो भाई जगह जगह पे, नो आई हैवंट लकीली, मेरे शूज में नहीं लगा है। तो हाँ यार, ये पूरा एरिया क्रिश का है, क्या बात है यार। लेकिन ऑनेस्टली बताओ, लाइफ में ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना है ना बनता ही है, एक अलग ही मजा आ रहा है, एक अलग ही फन है, मजा आ रहा है आपको? मजा आ रहा है ना। मैंने सोचा कि जो पूरा जो इलाका है ये आप लोगों को दिखाओ, जो पूरा गांव है दिखाओ, इसकी इतनी बड़ी जो जगह है वो आप लोगों को दिखाओ। मेरी मम्मी भी अगर अभी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको पता है कि मेरा बेटा बहुत एंजॉय कर रहा है भाई यहाँ पर। माय मॉम इज सेइंग थैंक यू टू यू। तो ये पूरी जगह जो है पूरा वहाँ, मतलब पूरी ये जो पूरी जगह है ना, ये पूरी क्रिश की है भाई। रियान गए हैं ट्रैक्टर में क्रिस के साथ। चलो चलते हैं ट्रैक्टर में, लेट्स गो क्रिस। अब ये बता रहे कैसे चलाते हैं भाई इसको। ओके, तो कैसे यूज करेगा अभी वो। ओके, तो ये ब्लेड्स है भाई इसकी, इससे कट होता है। तो आप देखते हैं भाई कैसे चलाते हैं, मतलब थोड़ा सा पीछे हो जाए ताकि मैं आपको दिखाऊं कि कैसे यूज करते हैं इसको। तो भाई ये ऑलरेडी कट किया हुआ है बोल रहा है उसने, तो इतनी हाइट पे इसकी ऑलरेडी ग्रासेस थी, मेरे आने के पहले इन्होंने कट कर दिया, बोला ये मैंने खाली तो दिखाने के लिए मैं तो खाली थोड़ा सा रन किया। सच में ये इतनी अमेजिंग जगह है, इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस है ये यहाँ का, मैं क्या बताऊँ यार, दिस इज रियली कूल। एक्चुअल जो गाँव की लाइफ होती है ना वो एक्सपीरियंस करने मिल रहा है, पूरा इनका जो प्रोसेस है। ये अकेला बंदा है क्रिस जो पूरा ये संभालता है एनिमल्स को, उनके खाना पीना ये वो सब कुछ संभालना, और ये यहाँ पर 30 साल से है। पास वाला जो घर है उनके पास वाला घर में आगे बताऊंगी, वहीं पे बड़े हुए हैं और यहीं पे अपनी फैमिली के साथ भी रह रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, और प्लीज कमेंट करके बताना कि ये कैसा लग रहा है आपको, क्रिस कैसा लगा आपको, ये जगह कैसी लगी। अपने जूते उतार दिए है, अब मैं नंगे पे एक्चुअल गाँव का एक्सपीरियंस जो है वो देख रही हूँ। और ये केटल है जहाँ पर ये काउस को रखते है, ये आई गेस वहाँ से एंट्रेंस है। And then they come here and they stay here. सिटी से हट के एक अलग दुनिया, इतनी खूबसूरत दुनिया, मुझे कैसे कैसे लुक दे रही है बेचारी। अब ये मुझे पता नहीं है ये खुशी वाला मुंह था या गुस्से वाला मुंह। What is this, Chris? These are cream puffs. Kim made these just for you. Just for you, Ryan. Yeah. ये देखो भाई, इन्होंने मीठा बनाया हुआ है। मैं हमेशा पहले डॉग से डरता था, लेकिन अभी नहीं। आप देख रहे हो? Yeah, you're not afraid anymore. मोहतरमा लगी पड़ी है यहाँ पर यार। मोहतरमा के हाथ रुक नहीं रहे। Why aren't you eating? बच्चे अमेरिका के हो या इंडिया के हो, होता यही है कि जब मेहमान आते ना तो हम लोग इंतजार करते हैं कि मेहमान जाए, और हम लोग जो भी स्नैक है बिस्किट वगैरह हम लोग बचपन में बहुत करते थे, तो वो यही बोल रहे कि जब हम लोग बाहर थे ना तो वो भाई यहाँ से खा रहा था। एंड दैट्स हाउ आई यूज्ड टू डू इट, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग देम, और ये मैं करता था। सो भाई अब जाने का टाइम हो चुका है, इन लोग अभी बोलते हैं अलविदा भाई, बिकॉज काफी वक्त हो गया। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग जाओ कमेंट सेक्शन में, और प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके क्रिस को और किम को प्लीज आप लोग थैंक यू बोलना, कितने अच्छे लोग थे, इनकी वजह से आज ये वीडियो पॉसिबल हो पाया है। ये हम लोग सिर्फ कैमरा के अंदर नहीं बोल रहे हैं,
These people are seriously amazing. मैं क्रिस को जानता हूँ काफी वक्त से, बहुत अच्छा इंसान है। अभी हम लोग इस वीडियो का एंड आगे करते हैं, फिलहाल इनसे करते हैं अलविदा, इन्हें कहते हैं बाय। थैंक यू सो मच। Yeah, I'm glad you came. We've been talking about it for a while. Guys, come back anytime. Thank you. Remember, good people find good people. Right? Yeah, I'm glad. So glad to meet you. मैंने कोई नुकसान नहीं किया। Thank you so much. Thank you. It was nice meeting you. I like to show people. All right, Chris, see you. See you guys. All right, bye. Bye. Good luck with your move. Have a safe trip home. Have a safe trip. Have a safe trip. मैं तो ये गाय भैंस को अभी देख, मजा आया गाय भैंस को देखकर, मजा आया कि नो। Oh my God, so cool, इतने नजदीक से है ना, और इतनी विदाउट अटैक करने वाली गाय पहले देखी।